डोईवाला में किसान गन्ने के बकाया भुगतान के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में किसानों का कहना है कि बकाया भुगतान को लेकर सरकार हर बार किसानों को गुमराह कर एक नई तारीख देने का काम कर रही है, जिससे नाराज किसानों ने डोईवाला मिल गेट पर धरना देकर सरकार से गन्ने का बकाया भुगतान करने की मांग की है। तो साथ ही किसानों ने कहा है कि 10 दिन बाद होली का बड़ा त्यौहार आ रहा है और आज भी किसानों का 10,72,00,000 रुपये गन्ने का बकाया भुगतान बाकी है, जिससे किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस बार सरकार उनका बकाया भुगतान नहीं करती है तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, मजदूर परेशान है, सब परेशान है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सरकार सिर्फ शराब परोसने का काम कर रही है, उसे किसी मजदूर से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है। सरकार को चेताने के लिए आज हम एक सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ बैठ रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेतेगी तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे कि किसानों का जो बकाया भुगतान है वो अभी तक नहीं कर पाई है सरकार। पिछले साल का बकाया भुगतान बड़ी शर्म की बात है। किसान इतना ज़्यादा पीड़ित है कि मिल को जब 28 दिसंबर को मिल चली थी तो सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि जो पुराना बकाया है उसको एक हफ्ते के अंदर आपका भुगतान हो जाएगा, परंतु उसके बाद भी वो तो महीना गया। दो बार किसान सभा के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें सारे किसान आए और उसमें भी यही आश्वासन दिया कि लगभग हर हफ्ते में ये आपका पेमेंट हो जाएगा। इतना ज़्यादा ये गुमराह कर रहे हैं किसानों को, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाहते हैं। जब अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री जी ने उसका प्रावधान किया है कि ये पैसा किसानों को मिलना है, तो फिर अधिकारी लोग उस पैसे को रोककर क्या जताना चाहते हैं।